हेलो दोस्तों, शुद्ध आयुर्वेद में आपका स्वागत है। प्रकृति का दिया हुआ जड़ी बूटी को हम और आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, सिर्फ जानने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लीवर से संबंधित रोग, जैसे फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस या लीवर में पानी भर जाना, लीवर में सूजन, लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग में कौन सी औषधि का सेवन किया जाए। पलाश के फूल 100 ग्राम, तुलसी का बीज 100 ग्राम, कुटकी 100 ग्राम, निर्गुंडी 100 ग्राम, पुनर्नवा की मूल 100 ग्राम, मकोए 100 ग्राम, भूमि आंवला 100 ग्राम, इन सभी को कूट पीस कर चूर्ण बना लें। 5 ग्राम चूर्ण 400 ml में मिट्टी के हांडी में रात्रि को फूलने के लिए छोड़ दें। सुबह धीमी धीमी आंच पर पकाए। जब शेष 100 ग्राम बच जाए तो 2 भागों में बाँट दें। सुबह खाली पेट सेवन करें। शाम को भोजन के 1 घंटा पहले सेवन करने से लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग में बहुत लाभ देखने को मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं लीवर से संबंधित रोग, जैसे फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस या लीवर में पानी भर जाना, लीवर में सूजन, लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग में कौन सी औषधि का सेवन किया जाए। पलाश के फूल 100 ग्राम, तुलसी का बीज 100 ग्राम, कुटकी 100 ग्राम, निर्गुंडी 100 ग्राम, पुनर्नवा की मूल 100 ग्राम, मकोए 100 ग्राम, भूमि आंवला 100 ग्राम, इन सभी को कूट पीस कर चूर्ण बना लें। 5 ग्राम चूर्ण 400 ml में मिट्टी के हांडी में रात्रि को फूलने के लिए छोड़ दें। सुबह धीमी धीमी आंच पर पकाए। जब शेष 100 ग्राम बच जाए तो 2 भागों में बाँट दें। सुबह खाली पेट सेवन करें। शाम को भोजन के 1 घंटा पहले सेवन करने से लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग में बहुत लाभ देखने को मिलेगा। हमारे पाचन तंत्र या लीवर संबंधित रोगों में हरा साग सब्जी, सलाद, फल फ्रूट का प्रयोग करना चाहिए। मूली हमारे पाचन तंत्र एवं लीवर संबंधित रोगों में लाभदायक है। लीवर खराब होने का क्या कारण है? आजकल के खान पान दूषित तथा दूषित पेयजल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी आदि के माध्यम से शरीर के अंदर जहरीली रसायन पाचन तंत्र में एकत्रित होकर हमारे लीवर का क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। हमारे शरीर में जहरीली रसायन को निकालने का 3 क्रिया है, पैखाना, पेशाब और पसीना, जो हम पेट सही से साफ नहीं हो पाता। हम आजकल के दिनचर्या में सही से मेहनत नहीं कर पाते जो हमारे छिद्र द्वारा पसीना निकल सके, जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी रह जाता है और पाचन तंत्र को ख़राब करके लीवर ख़राब कर देता है।